हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी, मैं फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर लेके आपके सामने मौजूद हूँ। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में, मॉड्यूलस फंक्शन का डेफिनेशन बताऊंगा, उसका ग्राफ प्लॉट करूंगा, उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा डिफरेंट मतलब कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कहाँ पे वो कंटिन्यूअस है, कहाँ पे वो डिफरेंशिएबल है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा, ये सारा कुछ डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं प्रॉपर्टीज पे आऊंगा। तो सबसे पहले मॉड्यूलस फंक्शन, तो मॉड्यूलस फंक्शन का डेफिनेशन होता है y इज इक्वल टू मॉड एक्स। ये मॉड एक्स जो होगा बराबर होगा x के व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और ये माइनस x के बराबर होगा व्हेन x इज लेस देन जीरो। आप लोग बचपन से जानते हैं, मतलब 19 से जानते हैं कि अगर किसी के साथ भी हम मॉड लेते हैं तो वो नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, वो नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, वो किस में चेंज कर जाता है, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में चेंज करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। जैसे आप गौर करें, आप लोग देखते आ रहे हैं कि माइनस फाइव है, माइनस फाइव पे अगर हम मॉड लिए तो ये फाइव बन गया, सिक्स है, सिक्स पे मॉड लिए तो भी ये सिक्स बन गया। तो आप गौर करें, नेगेटिव पे हम मॉड लिए, नेगेटिव पे मॉड लिए तो ये पॉजिटिव बना, और पॉजिटिव मॉड लिए तो ये पॉजिटिव बना। मतलब कि मॉड एक ऑपरेटर है, वो ऑपरेटर का काम क्या है कि वो नेगेटिव क्वांटिटी पे रहे या पॉजिटिव क्वांटिटी पे रहे, वो कन्वर्ट कर देगा उसको किस में, पॉजिटिव में। तो आप लोगों को हम पहला ही क्लास में बताए थे कि फंक्शन एक तरह का ऑपरेटर है, वो एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज करता है। तो मॉड्यूलस भी एक तरह का फंक्शन है। तो अगर वो फंक्शन है तो फंक्शन के डेफिनेशन को मानेगा। फंक्शन का काम क्या होता है कि एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज करना। तो ठीक वैसे ही मॉड्यूलस फंक्शन भी एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज करेगा। किस फॉर्म को किस में चेंज करेगा, तो वो नेगेटिव क्वांटिटी पे लगे या पॉजिटिव क्वांटिटी पे लगे, नेगेटिव क्वांटिटी पे लगे या पॉजिटिव क्वांटिटी पे लगे, वो हमेशा उसको पॉजिटिव ही बनाएगा। फिर आप लोगों को हम फर्स्ट लेक्चर में ही बताए थे कि हर फंक्शन का अपना अपना काम करने का तरीका होता है, हर मशीन का अपना अपना काम करने का तरीका होता है, हर मशीन का अपना अपना मैकेनिज्म होता है। ठीक वैसे ही फंक्शन का भी अपना क्या होता है, मैकेनिज्म। यहां पे मैकेनिज्म क्या है, यहां पे मॉड का काम करने का तरीका क्या है, आप यहां पे गौर करें। ये मॉड्यूलस का डेफिनेशन है। तो जब किसी भी फंक्शन का डेफिनेशन जो होता है वही उसका मैकेनिज्म होता है। आप यहां पे अगर देखें तो यहां पे मॉड किस पे लगा है, एक्स पे लगा है। तो मॉड एक्स पे लगा है, यहां पे एक्स पे दो तरह का कंडीशन है कि एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब हो गया कि एक्स आपका पॉजिटिव है। यहां पे लगा है कि x आपका नेगेटिव है, x नेगेटिव क्यों, क्योंकि x क्या है, लेस देन जीरो। तो अगर मॉड के अंदर, अगर मॉड के अंदर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, गौर करें x कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मॉड खुलेगा, बाहर में क्या आएगा, प्लस। अगर मॉड के अंदर, मॉड के अंदर यहां पे आप देख सकते हैं x है, मॉड के अंदर यहां पे क्या है, x है, और x यहां पे गौर करें कैसा है, नेगेटिव क्वांटिटी। तो मॉड के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी, मॉड खुला, ये किसके बराबर हो गया, माइनस एक्स के बराबर। तो याद रखें, मॉड के अंदर अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है उस केस में मॉड खुलेगा, मॉड खुलने के बाद बाहर में प्लस आएगा। मॉड के अंदर अगर कोई नेगेटिव क्वांटिटी है उस केस में मॉड खुलेगा, बाहर में आएगा माइनस। याद रखें ये चीज, आपको बहुत काम आने वाला हर जगह। मॉड्यूलस हुआ, मॉड्यूलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर और सिग्नम, ये पांच बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको स्कूल से लेके एडवांस एग्जामिनेशन तक काम आएगा और इसी पे टफ प्रॉब्लम बनता है। ये पांच टॉपिक अगर अच्छे से संभाल लिए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। यही पांच टॉपिक में स्टूडेंट को मेन प्रॉब्लम होता है। तो यहां पे मॉड्यूलस का काम करने का तरीका क्या है, मॉड के अंदर अगर कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉड खुलता है, बाहर में प्लस आएगा। मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी है, मॉड खुलेगा, बाहर में माइनस आएगा। मतलब कि मॉड का दो चेहरा है, मॉड का दो फेस है। एक फेस पॉजिटिव एक्स का है, कब, जब उसके अंदर का जो इनपुट है वो पॉजिटिव हो।
एक फेज है नेगेटिव एक्स का, कब? जब उसके अंदर का जो क्वांटिटी हो वो नेगेटिव एक्स है। अब यहां पे आप खुद सोचे, हम बात करते हैं माइनस फाइव की, तो माइनस फाइव पहले आप इसको देखें, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव? नेगेटिव है। नेगेटिव अगर है तो आप खुद सोचे वो इस कैटेगरी में जा रहा है या इस कैटेगरी में जा रहा है? ऑब्वियस सी बात है, इस कैटेगरी में जा रहा है। तो इस कैटेगरी में जा रहा तो हम क्या बताएं, मॉड खोलेंगे, जो मॉड के अंदर क्वांटिटी है वो तो आया ही आया और साथ में क्या आया, माइनस। तो मॉड के अंदर कौन सा क्वांटिटी है, माइनस फाइव है, तो माइनस फाइव आ गया, ये देखिए एक्स है तो एक्स आ गया और साथ में क्या लाया, माइनस, तो साथ में फिर माइनस आया, माइनस इंटू माइनस, आप खुद देखिए ये क्या बन गया, प्लस फाइव। अगर आपके पास सिक्स है, सिक्स, तो आप पहले पहचाने कि ये किस कैटेगरी में है, फर्स्ट कैटेगरी में है या सेकंड कैटेगरी में, तो आप देखेंगे कि प्लस सिक्स जो है वो फर्स्ट कैटेगरी में है। तो अगर ये फर्स्ट कैटेगरी में है तो मॉड ओपन हुआ, बाहर में प्लस एक्स आया, एक्स का काम यहां पे कौन कर रहा है, सिक्स, और साथ में क्या आ गया, प्लस। तो आप देख सकते हैं मॉड सिक्स आपका सिक्स के बराबर है और मॉड ऑफ माइनस फाइव आपका किसके बराबर, फाइव। एकदम सिंपल है, कहीं कुछ नहीं है। यहां पे माइनस सेवन, आप खुद देखें ये माइनस सेवन मॉड है तो आप अंदर का क्वांटिटी देखें कि किस कैटेगरी में जा रहा है, या आप खुद देखें इस कैटेगरी में है या इस कैटेगरी में, तो यहां पे साफ पता चलेगा कि माइनस सेवन जो है वो लेस देन जीरो है। तो माइनस सेवन लेस देन जीरो, मॉड खुला, मॉड खुला, एक गिफ्ट में उसको माइनस मिल गया। अब एक्स के जगह पे क्या, माइनस सेवन, तो यहां माइनस सेवन रखे, आप खुद देखें माइनस और माइनस क्या बनेगा, प्लस सेवन, तो ये प्लस सेवन हो गया। तो मॉड एक तरह का ऑपरेटर, जो नेगेटिव क्वांटिटी रहे या पॉजिटिव क्वांटिटी रहे, नेगेटिव क्वांटिटी रहे या पॉजिटिव क्वांटिटी रहे, उसको हमेशा वो पॉजिटिव क्वांटिटी में ही कन्वर्ट करेगा, हमेशा उसको पॉजिटिव क्वांटिटी में ही कन्वर्ट करेगा। अब सवाल उठता है कि कैसे कन्वर्ट करेगा, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका रूल क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है? तो ये इसका डेफिनेशन हो गया कि y इज इक्वल टू मॉड एक्स, तो मॉड एक्स जो होगा वो प्लस एक्स के बराबर होगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मॉड एक्स जो होगा वो माइनस एक्स के बराबर होगा व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। तो अगर कोई आपसे मॉड एक्स पूछे व्हाट इज मॉड एक्स, तो आप यही डेफिनेशन बताएंगे, मॉड एक्स का डेफिनेशन पूछेंगे, यही डेफिनेशन है, हर जगह यूज होता है। अब जरा गौर करें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अगर आपसे कोई पूछा एक्स का वैल्यू, ध्यान रखें एक्स का वैल्यू, या अगर आपसे कोई पूछा मॉड एक्स का वैल्यू, या आपसे कोई पूछा वाई का वैल्यू, तीन चीज यहां पर बनता है, एक्स का वैल्यू, मॉड एक्स का वैल्यू और y का वैल्यू, या फिर कोई आपसे पूछा फंक्शन का वैल्यू, ध्यान दे y का वैल्यू, mod x का वैल्यू, x का वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू। यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, mod x पढ़ रहे हैं। आप खुद देखें mod x और y बराबर है, और यही y को हम क्या कहते हैं, fx। तो y पूछे या mod x पूछे या fx पूछे, बात एक ही है, जब हम मॉड्यूलस फंक्शन डील करेंगे तो उस केस में मॉड एक्स का जो वैल्यू होगा, वाई का जो वैल्यू होगा और फंक्शन का जो वैल्यू होगा, तीनों सेम होगा। जब हम डील करेंगे लॉग एक्स, तो इस केस में जो लॉग एक्स का वैल्यू होगा वही वैल्यू वाई का होगा, वही वैल्यू किसका होगा, वाई का। मतलब कि अगर हम लॉगरिथमिक को डील करते हैं तो वहां पर फंक्शन होगा लॉगरिथमिक, अगर हम एक्सपोनेंशियल को डील करते हैं तो वहां पे फंक्शन होगा एक्सपोनेंशियल, अगर हम साइन को डील करते हैं तो वहां पे फंक्शन होगा साइन एक्स, और जो फंक्शन है वही वाई है। मतलब साइन एक्स का जो वैल्यू है वही वाई का वैल्यू है, एक्सपोनेंशियल का जो वैल्यू है वही वाई का वैल्यू है, लॉग का जो वैल्यू वही वाई का वैल्यू है, और x जो है वो आपका हो गया इनपुट, ये अलग होगा, याद रखें x आपका अलग होगा, इसमें x आपका अलग होगा, एक्सपोनेंशियल में x आपका अलग होगा, लेकिन e का पावर x जो होगा वो y होगा, e का पावर x जो होगा वो fx होगा, log बेस x जो होगा वो y होगा, log बेस x जो होगा वो fx होगा। मतलब कि अगर आपसे कोई log x का वैल्यू पूछे तो y आपको बताना, अगर आपसे कोई e का पावर x का वैल्यू पूछे तो y आपको बताना है, अगर आपसे कोई mod x का वैल्यू पूछे तो आपको क्या बताना है,
वाई बताना, मतलब फंक्शन ही वाई है और जिसको डील कर रहे वही वाई है, अगर उसका कोई वैल्यू पूछ रहा तो वाई। और आप लोगों को हम ग्राफ में भी बताए थे कि जब कभी भी वैल्यू का बात होगा, जब कभी भी वैल्यू का बात होगा तो हमेशा हम उस केस में बात करते हैं वाई का। देखिए ये सब छोटा छोटा पॉइंट है जिसमें स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता, पूछ देता है ई का पावर एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो लोग सोच ही नहीं पाता ई का पावर एक्स का वैल्यू क्या होगा या लॉग एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो उससे सिंपल कंसेप्ट है, लॉग एक्स का वैल्यू पूछा लॉग एक्स नहीं वाई को देखो, e का पावर x का वैल्यू पूछा है e का पावर x नहीं y को देखो, mod x का वैल्यू पूछा mod x नहीं y को देखो। ये कांसेप्ट का यूज हम ग्राफ में करने वाले हैं, ग्राफ में ये बहुत आपको यूजफुल होने वाला। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, तो y is equal to mod x, इसको थोड़ा साफ हम लिखें कि अच्छे से ग्राफ प्लॉट करें। y is equal to mod x का डेफिनेशन आपका क्या हो गया, x when x is greater than equal to 0 और ये माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। थोड़ा ग्राफ को समझना है, यहां पे आप गौर करें वाई किसके बराबर, मॉड एक्स के बराबर, मॉड एक्स किसके बराबर एक्स के बराबर, कब एक्स के बराबर, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि वाई जो है वो एक्स के बराबर है, वाई जो है वो एक्स के बराबर है, कब एक्स के बराबर होगा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y जो है वो माइनस एक्स के बराबर है, कब ये माइनस एक्स के बराबर होगा, जब x आपका क्या होगा लेस देन 0। हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसी भी ग्राफ को जब हम प्लॉट करेंगे तो हमेशा किस में प्लॉट करते हैं, एक्स वाई प्लेन पे। तो ग्राफ प्लॉट करने का तरीका क्या है, जैसे आप लोग 9-10 में पढ़े हैं कि हम तीन चार पॉइंट निकालते थे, पॉइंट निकालने के बाद उन सारे पॉइंट को मिलाते थे। यहाँ पे क्या है, आपको थोड़ा एनालिसिस करना है, यहाँ पे थोड़ा आपको सोचना है कि ग्राफ का पैटर्न क्या होगा। आप पॉइंट लेके हर जगह ड्रॉ नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए हम कैसे सोचेंगे, यह आपका एक्स एक्सिस है, हमको x के लिए करस्पॉन्डिंग y चाहिए। अगर x के लिए करस्पॉन्डिंग y हमको मिलता है तो हम आराम से ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। आप यहां पे देखें ये y इक्वल टू x के बराबर है, ये y इक्वल टू x के बराबर है, तो आप खुद बताएं y इक्वल टू x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। आप लोगों को हम बता चुके हैं लास्ट लेक्चर में, y इक्वल टू माइनस x है, y is equal to minus x का ग्राफ आपका कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है y equal to minus x का। यहां पे आप देखें कितना लाइन है आपके पास, दो लाइन है, ये लाइन क्या है आपका y equal to x है, ये लाइन क्या है आपका y equal to minus x। तो गौर करें, एक है y equal to x तो y equal to x प्लॉट किए, एक है y equal to minus x, y equal to minus x, y equal to minus x आपको हम बता चुके हैं वीडियो में, आइडेंटिटी एंटी आइडेंटिटी फंक्शन, ये y equal to minus x हुआ। ये आपके पास दो ग्राफ। अब यहां पे थोड़ा अपना दिमाग यूज करें, y x के बराबर कब है, जब x greater than equal to 0 होगा। आप गौर करें ये पूरा x एक्सिस है, तो ये पूरा x एक्सिस है, तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक x आपका नेगेटिव होगा, यहां से यहां तक x आपका पॉजिटिव होगा। ध्यान दे, ये x एक्सिस, x एक्सिस पे x नेगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा। यहां से यहां तक x आपका नेगेटिव होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव x एक्सिस है। यहां से यहां तक x आपका पॉजिटिव होगा कि नहीं, क्योंकि पॉजिटिव x एक्सिस है। तो ये y इक्वल टू x, ये y इक्वल टू x कब वैलिड है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किधर है, इधर है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये y इक्वल टू x केवल इस साइड के लिए वैलिड होगा। आप बताएं y इक्वल टू x, ये ग्राफ है, मतलब ये रहेगा, ये भी y इक्वल टू x का ही ग्राफ है, लेकिन ये किस साइड है, नेगेटिव x की तरफ है, नेगेटिव x की तरफ y इक्वल टू x वैलिड नहीं है, क्योंकि यहां पे कंडीशन लग गया है कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि यहां पे ये वैलिड नहीं है। ये वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव x में आ रहा है, नेगेटिव x में आ रहा है, ये वैलिड नहीं है। तो जब ये वैलिड नहीं है तो इस पोर्शन को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो आप गौर करें, हम इस पोर्शन को हटा दिए, तो ये आपका y इक्वल टू x हो गया। अब हम y इक्वल टू माइनस x को देखते हैं, तो y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ ये कंप्लीट। y इक्वल टू माइनस x कब वैलिड है, जब x आपका लेस देन 0 होगा।
y इक्वल टू माइनस एक्स कब वैलिड है? जब आपका लेस देन जीरो होगा। आप यहां से देखें, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में ये पोर्शन जो है ये नेगेटिव एक्स है, जो कि चाहिए। ये पोर्शन आपका नेगेटिव एक्स है, ये पोर्शन आपका पॉजिटिव एक्स है। तो पॉजिटिव एक्स में वाई इक्वल टू माइनस एक्स तो वैलिड नहीं है, मतलब ये पोर्शन जो है ये y इक्वल टू माइनस एक्स का है, लेकिन ये किस जोन में आ रहा है? ये किस जोन में आ रहा है? नेगेटिव x, पॉजिटिव x में आ रहा है। पॉजिटिव x के लिए वो माइनस एक्स एप्लीकेबल नहीं है, मतलब ये नहीं होगा। तो इसको हम इधर से हटा दिए, तो ये आपका हट गया ये पोर्शन। अब आप देखें, ये आपके पास ग्राफ आया, ये ग्राफ जो है ये आपका मॉड x का ग्राफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्राफ किसका, मॉड एक्स का। y इक्वल टू मॉड एक्स आपका कैसा होता है? वी शेप होता है, वी शेप, जहां पे आपका ये जो पॉइंट होगा ये कहां पे होगा? ओरिजिन पे। y इक्वल टू मॉड एक्स जो है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक है y इक्वल टू एक्स का और एक है y इक्वल टू माइनस एक्स का। y इक्वल टू एक्स कब बनेगा? यहां पे साफ देखिए, आप ग्राफ से भी पता चल रहा है ये y इक्वल टू एक्स है कि नहीं, y इक्वल टू एक्स, लेकिन ये पोर्शन किस में है? पॉजिटिव x में है। ये y इक्वल टू माइनस एक्स है कि नहीं, ये y इक्वल टू माइनस एक्स, लेकिन ये पोर्शन किस में है? नेगेटिव x में। आप देख सकते हैं y इक्वल टू एक्स किस में है? पॉजिटिव x में है, और y इक्वल टू माइनस एक्स किस में है? नेगेटिव x में। तो ये आपका मॉड x का ग्राफ हुआ। इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है कि x जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो वहां पे इक्वालिटी होगा, x अगर आपका लेस देन जीरो है तो वहां पे इक्वालिटी नहीं है। मतलब पॉजिटिव के लिए यहां पे जीरो पे क्लोज होगा, नेगेटिव के लिए जीरो पे कैसा इंटरवल होगा? ओपन इंटरवल। तो ये हो गया आपका मॉड x का ग्राफ। अब हम लास्ट क्लास में आप लोगों को बताए थे डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, कंटिन्यूटी, डिफरेंसिबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, सब बता चुके हैं। यहां पे अगर हम बात करें डोमेन की, ध्यान दें, अगर हम यहां पे डोमेन की बात करें तो आप खुद बताएं डोमेन के लिए हम क्या बताए थे। एक्स का वैल्यू देखेंगे, ये ग्राफ इधर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा एक्स आपका किधर आता जाएगा? प्लस इंफिनिटी की ओर। ये ग्राफ इधर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये इधर बढ़ेगा एक्स किधर आएगा? माइनस इंफिनिटी की ओर। आप खुद देखें ये दोनों मिलके, ये दोनों मिलके एक्स का सारा वैल्यू इंक्लूड कर रहा, सारा वैल्यू ले रहा। आप यहां से भी देख सकते हैं एक्स का सारा पॉजिटिव वैल्यू ले लिया और ये क्या किया, एक्स का सारा नेगेटिव वैल्यू ले लिया और ये एक्स इक्वल टू जीरो भी ले लिया। मतलब कि ये एक्स जो है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी सारा वैल्यू ले रहा। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी को ही हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। मतलब कि इसका डोमेन क्या होगा? रियल नंबर। क्यों डोमेन रियल नंबर हुआ? हम आपको बता चुके हैं डोमेन के लिए आप एक्स को देखेंगे, डोमेन के लिए आप एक्स को देखेंगे। आप खुद देखें जैसे जैसे ये इधर जाएगा एक्स का वैल्यू प्लस इंफिनिटी जाएगा, जैसे जैसे ये इधर जाएगा एक्स का वैल्यू माइनस इंफिनिटी जाएगा, तो ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होगा कि नहीं? तो मॉड एक्स का जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर होगा। क्यों ऑल रियल नंबर होगा, उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ये इंटायर एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है। अब हम बात करते हैं रेंज के बारे में। रेंज, जरा आप सोचे रेंज के लिए, रेंज के लिए हम आपको क्या बताए थे? y का वैल्यू देखेंगे। आप यहां पे खुद देखिए ग्राफ नीचे तो नहीं है, ग्राफ नीचे x एक्सिस के बिलो तो लाई नहीं कर रहा, ग्राफ किधर लाई कर रहा है? x एक्सिस के ऊपर। तो ग्राफ यहां से शुरू हुआ है, यहां पे y का वैल्यू क्या है? जीरो। इसके बाद ग्राफ तो ऊपर ही उठा है, तो अगर ऊपर उठा है तो यहां पे y आगे ही बढ़ेगा, मतलब यहां पे रेंज आपका क्या होगा? जीरो से इंफिनिटी। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा y भी आपका बढ़ता जाएगा, मतलब कि यहां पे y जो है वो जीरो से इंफिनिटी है। यहां पे y जीरो से इंफिनिटी, यहां पे जीरो इंक्लूडेड है। क्यों जीरो इंक्लूडेड है? क्योंकि आप यहां पे खुद देखे यहां पे जीरो इंक्लूडेड है। अगर यहां पे हम जीरो रखे तो y का वैल्यू क्या आएगा? जीरो आएगा। तो इसका रेंज क्या बनेगा? जीरो से इंफिनिटी, जहां पे जीरो पे क्लोज्ड इंटरवल और इंफिनिटी पे ओपन इंटरवल। रेंज के लिए आपको हम बता चुके हैं y देखते हैं, रेंज के लिए हम क्या देखते हैं? y। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यूटी।
कंटिन्यूटी के लिए हम बताए थे कि ग्राफ ब्रेक है या नहीं, यहां पे आप खुद देखें ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं है। तो कहीं ब्रेक नहीं है मतलब कि ये एक्स के हर एक वैल्यू पे कंटिन्यूअस होगा। हर एक वैल्यू पे कंटिन्यूअस कहने का मतलब हो गया, एवरीवेयर कंटिन्यूअस कहने का मतलब हो गया कि जितना भी वैल्यू है रियल नंबर्स पे, एक्स के रियल नंबर्स पे, सब पे ये कंटिन्यूअस होगा। क्यों कंटिन्यूअस है? क्योंकि आप खुद देखिए ये कहीं पे टूटा हुआ तो नहीं है। हम आपको बता चुके हैं कि ग्राफ अगर कहीं टूटता है तो वो डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। यहां पे ग्राफ कहीं भी टूटा हुआ नहीं है, तो ये कैसा हो गया? एवरीवेयर। एवरीवेयर वर्ड याद रखेंगे मैथ्स में, एवरीवेयर का मतलब होता है फॉर ऑल रियल नंबर, एवरीवेयर कंटिन्यूअस हुआ। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी देखें। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम क्या बताए थे? जॉइंट। अगर ग्राफ कहीं आपका जॉइंट है मतलब कि उस जगह पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आप खुद देखें ये जीरो पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे दो ग्राफ जॉइंट किया था। आपको हम बताए थे कि ये एक ग्राफ है वाई इक्वल टू एक्स, ये एक ग्राफ है वाई इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये अलग अलग ग्राफ था ना। मॉड एक्स जो है दो अलग अलग फंक्शन से बना है, एक वाई इक्वल टू एक्स से बना है, एक वाई इक्वल टू माइनस एक्स से बना है, और ये दोनों फंक्शन एक दूसरे से कहां पे मिला? तो जीरो पे मिला। तो ये जीरो पे आपका जो फंक्शन हो गया वो डिफरेंशिएबल नहीं है। जीरो पे आपका जो फंक्शन हो गया वो डिफरेंशिएबल नहीं, डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल नहीं है का मतलब क्या होता है कि अगर कोई आपसे मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन पूछे, डिफरेंशिएशन आप पढ़ेंगे आने वाले आगे एक्सरसाइज में, चैप्टर्स में, अगर आपसे कोई मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन पूछे तो डिफरेंशिएशन वहीं पे हो सकता है किसी फंक्शन का जहां पे वो डिफरेंशिएबल हो। यहां पे गौर करें ये जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। याद रखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है कि जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वहीं पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है किसी एक पॉइंट पे तो उस जगह पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां पे मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ जी मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो क्या होगा? तो आंसर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट क्यों आएगा? बिकॉज एट एक्स इक्वल टू जीरो द गिवन फंक्शन इज व्हाट? नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि डी मॉड एक्स dx का डिफरेंशिएशन बताओ एट x इक्वल टू वन क्या होगा? x इक्वल टू वन, आप देखें x इक्वल टू वन इधर कहीं होगा। x इक्वल टू वन में y किसके बराबर है? x के बराबर। y का मतलब क्या हो गया? मॉड x, मतलब मॉड x किसके बराबर है? x के बराबर। तो मॉड x के यहां पे हम x रखेंगे तो ये dx by dx बना, जो कि आपका किसके बराबर हो जाएगा? वन के बराबर। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि मॉड ऑफ dx का डिफरेंशिएशन एट एक्स इक्वल टू माइनस टू बताओ क्या होगा? एट एक्स इक्वल टू माइनस टू, आप यहां पे चेक करें माइनस टू किधर है? इस साइड माइनस टू है तो ये एक्स इक्वल टू माइनस टू। आप खुद देखें माइनस टू पे कहीं कोई जॉइंट नहीं है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन एक्स इक्वल टू माइनस टू पे वाई किसके बराबर है? माइनस एक्स के बराबर, और वाई ही आपका क्या है? मॉड एक्स, मतलब मॉड एक्स के यहां पे क्या रखेंगे? माइनस एक्स। तो ये डी डी एक्स, यहां पे अगर आप माइनस एक्स रखे तो ये क्या आ गया? माइनस वन। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं? मॉड एक्स एक ही फंक्शन है लेकिन उसका डिफरेंशिएशन तीन अलग अलग जगहों पे तीन अलग अलग रिजल्ट दे रहा। जीरो पे ये क्या दे दिया? डज नॉट एग्जिस्ट। प्लस वन पे ये क्या दे दिया? प्लस वन। और एक्स इक्वल टू माइनस टू पे क्या दे दिया? माइनस वन। तो यहां पे डिफरेंशिएशन करते समय भी, डिफरेंशिएशन करते समय भी आपको फंक्शन का जरूरत पड़ेगा। इसलिए हम आप लोगों को बताया थे कि फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं ग्राफ के मदद से हम डोमेन निकाल लिए, रेंज निकाल लिए, कंटिन्यूटी निकाल लिए। कंटिन्यूटी आपको पढ़ना है एक चैप्टर, तो कंटिन्यूटी भी आपका ग्राफ के मदद से निकाले, डिफरेंशिएशन भी देखिए हम ग्राफ के मदद से निकाले। अब हम बात करते हैं
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की, याद कीजिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में हम क्या बताए थे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम एक्स और वाई का नेचर देखेंगे। अगर एक्स और वाई का नेचर सेम है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, अगर एक्स और वाई का नेचर अपोजिट है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। आप यहां पे खुद देख सकते हैं, जब कभी भी हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करते हैं तो आपको हम बता चुके हैं कि आप हमेशा लेफ्ट से राइट मूव करेंगे। जब कभी भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करते हैं तो आपको हम बता चुके हैं कि आप हमेशा लेफ्ट से राइट मूव करेंगे। अगर आप यहां पे हैं तो वाई यहां, अगर आप यहां पे हैं तो वाई यहां, अगर आप यहां पे हैं तो वाई यहां। आप खुद देखें, यहां पे आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, मतलब एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, लेफ्ट से राइट एक्स का वैल्यू बढ़ता है, बट वाई का वैल्यू आपका क्या हो रहा, घटता जा रहा है। तो यहां पे एक्स तो इंक्रीज किया बट वाई आपका क्या किया, डिक्रीज। लेकिन अगर हम इस पोर्शन में देखें, यहां पे एक्स ये वाई यहां, 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 यहां एक्स आपका बढ़ता जा रहा और वाई भी बढ़ रहा है, तो यहां पे एक्स इंक्रीज किया तो साथ में वाई भी इंक्रीज किया। यहां पे एक्स और वाई का नेचर क्या है, सेम। तो इस साइड में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, यहां पे एक्स और वाई का नेचर क्या, अपोजिट, तो इस साइड में आपका फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। इस साइड को हम क्या बोलेंगे, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से जीरो, यहां पे जीरो पे ओपन इंटरवल। क्यों ओपन इंटरवल, क्योंकि ये नेगेटिव साइड है और नेगेटिव साइड में आपका इक्वालिटी नहीं है। यहां पे फंक्शन आपका क्या है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग किस पोर्शन में है, जीरो से इंफिनिटी, तो यहां पे एक्स बिलोंग्स टू जीरो से इंफिनिटी होगा। यहां पे जीरो पे ओपन या क्लोज, आप देखिए इस रीजन में एक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए हम क्या बताए थे, इक्वालिटी है, तो यहां पे क्लोज इंटरवल, यहां पे ओपन इंटरवल, मतलब इस रीजन में आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग कहां से कहां होगा, माइनस इंफिनिटी से जीरो, और इस रीजन में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग क्यों होगा, क्योंकि यहां पे x आपका पॉजिटिव है, यहां पे x के साथ साथ आपका y का वैल्यू भी क्या हो रहा, बढ़ रहा है, और यहां पे आपका जीरो के साथ आपका कैसा इंटरवल होगा, क्लोज्ड। तो ये हो गया आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट। अब हम बताने जा रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम आपको बताए थे कि दो चीज होता है, एक होता मैक्सिमम वैल्यू, एक होता मिनिमम वैल्यू, फिर होता पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या बताए थे कि जब कभी भी आपको वैल्यू देखना हो, वैल्यू, तो उस केस में आप वाई को देखेंगे। जब कभी भी आपको पॉइंट देखना हो, पॉइंट, तो उस केस में हम किसको देखते हैं, सॉरी, वैल्यू देखना तो वाई को देखेंगे और पॉइंट देखना तो किसको देखेंगे, एक्स। आप खुद देखिए इस ग्राफ में आपका वाई सबसे अधिक क्या होगा, इस ग्राफ में आपका वाई सबसे अधिक क्या होगा, ये ऊपर की ओर जाएगा तो वाई ऑब्वियस सी बात है प्लस इंफिनिटी की ओर जाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा तो भी वाई कहां जाएगा, प्लस इंफिनिटी। मतलब कि इस ग्राफ में जो वाई का मैक्सिमम वैल्यू है, जो y का मैक्सिमम वैल्यू वो प्लस इंफिनिटी है, और y ही आपका क्या है, फंक्शन, और y ही आपका क्या, मॉड x। तो अगर y आपका प्लस इंफिनिटी मैक्सिमम है तो मॉड x भी प्लस इंफिनिटी क्या होगा, मैक्सिमम। मतलब कि आपका मॉड x का जो मैक्सिमम वैल्यू है, आपके फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगा, प्लस इंफिनिटी। और इंफिनिटी को हमेशा हम क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड। तो यहां पर आपका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो नॉट डिफाइंड कहलाएगा। लेकिन एक्चुअल में अगर आप सेंस लगाएं, दिमाग लगा के बात करें, तो क्या होगा, प्लस इंफिनिटी। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या बताए थे, वाई का सबसे मिनिमम वैल्यू देखिएगा ग्राफ में। आप खुद देखिए कि वाई का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, ये जीरो है। y का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, ये जीरो, तो ये जीरो, तो मतलब मिनिमम वैल्यूज ऑफ y क्या होगा, जीरो। मिनिमम वैल्यूज ऑफ y क्या होगा, जीरो। और y ही आपका क्या है, मॉड x, y ही आपका क्या है, फंक्शन। मतलब कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा, जीरो। तो यहां पे मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, जीरो। अब साथ में लिखते चलेंगे। अब बात करें अगर हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के बारे में क्या बताए थे कि x का वह वैल्यू जहां पे y मैक्स हो, x का वह वैल्यू जहां पे y मैक्स हो। आपका y इधर मैक्स हो रहा है, आपका y इधर मैक्स हो रहा है, तो इस जगह पे x कहां जाएगा, माइनस इंफिनिटी पे, इस जगह पे x कहां जाएगा, प्लस इंफिनिटी पे। मतलब यहां पे दो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल रहा है, प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। तो यहां पे अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा में प्लस माइनस इंफिनिटी होगा। क्यों प्लस माइनस इंफिनिटी होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का डेफिनेशन आप याद करें, जहां पे y मैक्स हो
तो जहां पे y मैक्स हो, y यहां पे दो जगहों पे मैक्स हो रहा है, इधर भी मैक्स हो रहा है, इधर भी मैक्स हो रहा है, तो जब ये इधर बढ़ेगा तो x माइनस इंफिनिटी, जब ये इधर बढ़ेगा तो x कहां जाएगा, प्लस इंफिनिटी, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा यहां पे क्या हो गया, प्लस माइनस इंफिनिटी। पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा के बारे में क्या बताए थे कि जहां पे y मीन हो, y यहां पे मीन है तो यहां पे x का वैल्यू क्या है, जीरो, मतलब इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा आपका क्या हो जाएगा, जीरो। हम y इज इक्वल टू मॉड x का डेफिनेशन देखें, y इक्वल टू मॉड x का डेफिनेशन आपका क्या हो गया कि ये प्लस x होगा माइनस x होगा, x जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो प्लस x और माइनस x होगा व्हेन x इज लेस देन जीरो। फिर हम ग्राफ देखें, ग्राफ दो फंक्शन के कॉम्बिनेशन से बना, एक y इक्वल टू x और एक y इक्वल टू माइनस x। उसके बाद हम सारा इंफॉर्मेशन देखें, डोमेन, डोमेन के लिए x देखते हैं, तो इस फंक्शन में x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो इसका डोमेन क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। रेंज, रेंज के लिए हम y देखेंगे, y जीरो से प्लस इन्फिनिटी है तो रेंज आपका क्या हो गया, जीरो से प्लस इन्फिनिटी, जीरो से प्लस इन्फिनिटी। फिर आपको क्या बताया, कंटिन्यूटी, ये ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं कर रहा, मतलब एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एवरीवेयर का मतलब हो गया ऑल रियल नंबर। डिफरेंशिएबिलिटी, ये खाली जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी हर एक जगह पे ये डिफरेंशिएबल है, ये केवल जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी हर एक जगह पे ये डिफरेंशिएबल है। जहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा वहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन डज नॉट एग्जिस्ट कहलाएगा, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए एक्स और वाई का नेचर आप देख सकते हैं, लेफ्ट से मतलब माइनस इंफिनिटी से जीरो तक ये घटता जा रहा है तो डिक्रीजिंग हुआ, माइनस इंफिनिटी से जीरो, फिर जीरो से इंफिनिटी तक ये बढ़ता जा रहा है तो इंक्रीजिंग हो गया जीरो से इंफिनिटी। मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम आपको क्या बताएं कि अगर मैक्सिमम वैल्यू कोई पूछे तो वाई का मैक्स आपको देखना, वाई का मैक्स, तो y का मैक्स आप देख सकते हैं ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, तो y कहां भागेगा, प्लस इंफिनिटी, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड x क्या हो गया, प्लस इंफिनिटी। मिनिमम वैल्यू के लिए आप y का मीन देखिए, यहां पे y सबसे कम है तो मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा, जीरो। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के लिए क्या बताए थे आपको, याद कीजिए, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा x का वह वैल्यू जहां पे y मैक्स हो, y आपका इधर मैक्स, तो यहां पे माइनस इंफिनिटी, यहां पे प्लस इंफिनिटी, इसलिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आपका क्या बनेगा, प्लस माइनस इंफिनिटी, और पॉइंट ऑफ मिनिमा आपका क्या बनेगा, जीरो। तो इस वीडियो में मैं यहीं तक डिस्कस करता हूं, यहां तक आप समझे, ये सारा इंफॉर्मेशन आप अच्छे से लिखें, इसका बहुत यूज आने वाला है, और यहां से आपका मेन टॉपिक शुरू हो चुका है। यहां पे आपको हम फिर से याद दिला दें, पांच फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ग्रेटेस्ट इंटीजर और सिग्नम, इसी पांच फंक्शन पे कैलकुलस का सारा सवाल बनता, जो भी टफ प्रॉब्लम आपको दिखेगा इसी पांच फंक्शन पे दिखेगा, तो ये पांच फंक्शन आपको अच्छे से करना है। तो ये मॉडुलस फंक्शन का फर्स्ट पार्ट का वीडियो हुआ, सेकेंड पार्ट में हम आपको बताएंगे प्रॉपर्टीज के बारे में कि मॉडुलस का प्रॉपर्टीज को हम कैसे डील करते हैं, उसके बाद उससे प्रॉब्लम्स उसके उस मतलब उस प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया, अगर आप लोग मेरे वीडियो से बेनिफिटेड हो रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।